पंचशील पार्क के पेट्रोल पंप पर लगा ये कैमरा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से पेट्रोल पंप पर आने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट को कैप्चर कर लेता है। इससे दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये पता चल जाता है कि किसी गाड़ी का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी PUCC वैध है या लैप्स हो चुका है। दिल्ली के 100 चुने हुए पेट्रोल पंपों पर इस तरह के AI वाले कैमरे लगाने की कवायद जारी है। इसके लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस साल मार्च में ही टेंडर जारी कर चुकी है। अब दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिल्ली में पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है और इसके तहत जिन गाड़ियों के पास PUCC की सर्टिफिकेट नहीं है उन पर नकेल कसने की तैयारी है। AI एनेबल्ड कैमरा जिसको कि ANPR कहते हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा, वो लगाया जाएगा। वो गाड़ियों के नंबर प्लेट को रीड करके ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से ये पता लगा लेगा कि इनका PUC सर्टिफिकेट जारी हुआ है कि नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो उनको एक SMS आएगा कि आप अपना PUC सर्टिफिकेट कुछ तय समय सीमा में करा लें, अन्यथा 10,000 रुपये का जो चालान जो गवर्नमेंट करती है वो हो सकता है। गाड़ियों के PUC चेक करने के लिए पिछले साल सितंबर में दिल्ली के 25 चुने हुए पेट्रोल पंपों पर एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत AI वाले कैमरे लगाए गए जिसके अच्छे नतीजे आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड कैमरास लगाए गए हैं और इन कैमरेज की मदद से जब भी पेट्रोल पंप पर कोई गाड़ी आती है तो उसके नंबर प्लेट को पहले स्कैन किया जाता है और नंबर प्लेट को स्कैन करने के बाद ये पता लगाया जाता है कि इस गाड़ी के पास वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर उस गाड़ी के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है तो उसके मालिक को SMS के जरिए, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए सूचित किया जाता है कि आप अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जल्दी रिन्यू करें, और अगर वो ऐसा नहीं करते एक तय समय सीमा में तो उन्हें चालान जारी किया जाता है पॉल्यूशन का, जैसे आमतौर पर किसी भी ट्रैफिक के वायलेशन के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चालान जारी किया जाता है। NCR में लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग सोच सकते हैं कि दिल्ली को हम अवॉइड कर लें और दूसरे जगह से हम तेल भरवा लें या ऐसा कुछ, लेकिन ये पूरी तरह से शिकंजा कसना चाहिए पोल्यूशन पे, ताकि दिल्ली की जनता, दिल्ली के आसपास के लोग वो ना सफ़र करें पोल्यूशन से। अब देखना अहम होगा कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कितनी जल्दी और 100 पेट्रोल पंपों पर कारगर तरीके से ये नया सेटअप लगाने में कामयाब हो पाता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।